राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद। क्या भूत होते हैं? अगर भूत होते हैं तो हमें डरना चाहिए? भूत सामने आ जाए तो क्या करें? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर भी अच्छा देंगे हम। भूत होते हैं। अगर भूत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये लिखा नहीं जाता। भूत होते हैं। मैंने देखा है भूत को। बाबा ने हमसे भूत को, हमारे हाथ से भूत को प्रसाद दिलवाया और वो भूत मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो भूत होते हैं। बाबा से मैंने पूछा, सरकार ये भूत क्यों बनते हैं? बाबा ने कहा, बच्चा ये मरने से पहले अपने आप को भूल जाते हैं, इसीलिए भूत हो जाते हैं। और बच्चा, भूत किसी को सताता नहीं है। बाबा ने कहा कि भूत प्रेत की आयु 1,000 से लेकर 10,000 साल तक होता है। बच्चा वह भूत इतना दुखी होता है कि दिन रात वो पीड़ित रहता है। भूत का मुंह सुई के नोक के समान होता है और उसे क्षुधा तृष्णा बहुत लगती है, प्यास बहुत लगता है। लेकिन आप सोचिए, जिसका मुंह सुई के नोक के समान है और विशाल काय हो, तो 24 घंटा भी खाता रहे पीता रहे तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए भूत प्रेत पिशाच ये सब बहुत दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं ये। तो जो स्वयं पीड़ा में रह रहा हो वो दूसरे को पीड़ा कैसे देगा, क्यों देगा? बाबा ने बोला, बच्चा ये तो मनुष्य का भय है। प्रश्न में ही है कि अगर भूत सामने आ जाए तो क्या करें। पहले ऐसे भूत कभी भी मनुष्य के सामने नहीं आते। आएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनका शरीर स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, जिसको छाया शरीर भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष शरीर नहीं होता उनका, पंचभूत का पंचभौतिक शरीर नहीं है उनका, सूक्ष्म शरीर है उनका, तो दिखाई नहीं देते। इसलिए हम अपने मन से भयभीत होकर के भूत का स्वरूप बना लेते हैं और फिर उससे भयभीत हो जाते हैं, डर लगने लगता है। इतना डर लगता है कि भूत तो हुआ नहीं, आदमी ही भूत बन जाता है जो डरता हुआ। तो इसलिए भूत किसी को डराता नहीं है। वो तो इतना कष्ट में होता है, त्राही माम करता रहता है, हे परमात्मा हमें इस योनि से कब मुक्ति मिलेगी। अपने मुक्ति के लिए संत महात्मा सिद्धों के पास जाके, उनके आश्रम में जा कर के ये भूत योनि के जीव प्रार्थना करते हैं कि हमें मुक्ति दे दीजिए। हनुमान जी के गण भूत पिशाच क्यों हैं? शिव जी के गण भूत पिशाच क्यों हैं? इंजॉय करने के लिए नहीं, वो मुक्ति देते रहते हैं उनको, इसलिए उनके साथ ये लोग लगे रहते हैं कि ताकि उनकी मुक्ति मिल जाए। जहाँ भी है भूत पिशाच की कहानी हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ हो रहते हैं और उनके हेल्प करते हैं। हेल्प नहीं हो तो हेल्पलेस होते हैं, हेल्प की कामना करते हैं, सहयोग की। तो जब ईश्वर कृपा हो जाती है, भोले बाबा की दृष्टि पड़ गई, अच्छा चल भाई तुम्हारा मुक्ति दे दिया। तो भूत प्रेत पिशाच ये सब चीज़ें होती हैं और ये कभी किसी को दंडित नहीं करते, कष्ट नहीं देते। परंतु कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि ये बदला भी ले लेते हैं, ऐसी सुनने में आता है। लेकिन बदला लेने के लिए वो भूत हैं, शक्तिशाली होते हैं, अगर उनकी स्मृति वैसी है तो ले सकते हैं। परंतु ये अनंतों में एकाध कहीं घटना बनता है, हमेशा नहीं बनता। और कभी भी भूत सामने नहीं आता किसी के, हमारे मन ही भूत बन जाता है, उत्पन्न कर देता है भूत को और हम भयभीत होने लगते हैं। हमें तो जीवन में 3 या 4 बार भूत दिखा है, खूब बढ़िया दिखा है, लेकिन कुछ नहीं किया। 2 बार तो बाबा ने दिखाया, उनका कल्याण किया बाबा ने। इस प्रकार से इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। जब भूत आदि का अनुभव हो, लगे भूत आ रहे हैं, तो राम 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 करने लगी है, उसको शांति मिल जाती है और वो प्रसन्न होकर के चला जाता है। इस प्रकार से
भूत होते हैं, परंतु वो किसी को दंडित या पीड़ित नहीं करते, भयभीत नहीं करते, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। खूब हनुमान चालीसा पढ़ा करिए। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे, जय श्री राधे।